Subscribe to Shimaru and click the bell icon to never miss an update. Good morning, sir. Morning, morning. मुखिया जी बदलापुर कलेक्टर साहब सबसे बढ़िया बासमती चावल उगाने के लिए राष्ट्रपति जी ने हमारे जिला को इनाम दिया था इंद्र देवता नाराज हो गए पिछले 15 साल से बंजर जमीन पे हम आंसू बहा रहे हैं रुकिए मत मुखिया जी बोलते रहिए बोलना क्या है कलेक्टर साहब 4 साल से हमारी फाइल आपके यहाँ घून खा रही है कौन सा फाइल मुखिया जी साहब पुनपुन नदी से हमारे किरतपुर जिला तक के नहर बनाने की फाइल कलेक्टर साहब बस एक बार हमारी फाइल मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दीजिए मुखिया जी समझता नहीं है आप एक्चुअली फाइल यहां से वहां जाता नहीं है बल्कि वहां से यहां आती है समझ गए लेकिन तरीके से कागज नीचे से ऊपर जाती है तुम्हारा तारीफ राम परवेश पासी बदलापुर गांव से नियम का बात करता है तुम अरे नियम खुद नियम से नहीं चलता आजकल कलेक्टर साहब हम आमरण अनशन करेंगे करिए जरूर करिए और हम तो कहता है कि वो चैनल वालों को भी बुला के लाइए तार होम देता है आपको ये लीजिए कुछ काम नहीं उसके पास भी दिन भर ऐसे ही घूमते रहता है चिल्लाते रहता है काम भी मिल जाएगा उसको कुछ मसाला भी मिल जाएगा लेकिन आप लोगों को क्या मिलेगा ठंडा दिमाग से सोचिए मुखिया जी अरे भूखे पेट से भगवान का भोजन नहीं हो पाता है तो वो आवाज कहां से लाएंगे जो ऊपर तक पहुंचे है? भूखे पेट से आवाज तो नहीं निकलेगी कलेक्टर साहब लेकिन उसमें आग तो पकड़ेगी मतलब आत्मदाह क्या बकवास करता है तुम मुखिया जी कलेक्टर साहब 15 दिन भीतर जो हमारी फाइल ऊपर तक नहीं पहुंची तो 16वें दिन हम अपने आप को आग लगा देंगे उसके बाद हर दिन एक एक किसान तब तक अपनी बलि देता रहेगा जब तक हमारी आवाज ऊपर तक नहीं पहुंचेगी और जब तक ये नहर नहीं खुदेगी जो कहें वो करेंगे और सब किसान भाई हमारा साथ भी देगा लेकिन उसका जरूरत पड़ेगा नहीं आप देखिएगा मुखिया जी 15 दिन भीतर ही नहर का नक्शा जरूर ही पास हो जाएगा अरे वो तो ठीक है राम परवेश बाकी तुम कुछ ज्यादा ही ताव खा रहे थे डर तो कलेक्टर हमरा जाने से ही गया था लेकिन तुमको आत्म अरे बिना अकल के जानवर माइंड माइंड है कि नहीं है बाबा जब देखो तब मुंह में घुसेड़ देता है देखा बाबा हम जीत गए हाँ देखा चल अरे अकल की दुश्मन समझती काहे नहीं किसी ना किसी को तो आगे बढ़कर बोलना ही था ना वहाँ क्या सबके सब मुर्दे थे जो आपने ही मुंह खोला देखो जी ज्यादा नेता मत बनो और वो कलेक्टर के ऑफिस में क्या कह रहे थे सकीना के आदमी ने सब बताया है हमें कल हमारे साथ झटका मैया के मंदिर चलना जरूर कोई कुछ कर दिया है मति भ्रष्ट हो गई आपकी सुंदरी जरा सोचो अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो कल हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा तो क्या आप आत्मदाह करेंगे मरे आपको आगे कर देते हैं आप तो ना अब तुम चैन से खाना खाने दोगी या नहीं कि नेता इन बनकर ही मानोगी बस अम्मा चुपचाप खा विजय खाना खाओ नहीं तो कबड्डी कैसे खेलोगे चलो खाओ बाबा सकीना मौसी के यहाँ से आने के बाद अम्मा रो कह रही थी मूर्ख है वो कह रही थी सब आपको आगे करके खेला देखते रहते हैं कहा ना मूर्ख है वो इस मिट्टी इस गांव से हमारा पुरखों का रिश्ता है कोई हमें आगे रखे या पीछे नहर खुदेगी तो सबका भाग्य खुलेगा लेकिन बाबा स्कूल में मास्टर जी भी कहते हैं कि ऐसे कामों का फल तभी मिलेगा जब पूरे 42 गांव के लोग मिलकर प्रयास करेंगे विजय किया गया प्रयास बड़ा है या छोटा सफल है या असफल लिए गए संकल्प और दृढ़ निश्चय से तय होता है ये हमारे मास्टर जी कहते थे
लेकिन शायद उसके लिए बलिदान भी देना पड़े। लेकिन एक बार ऊपर तक बात पहुंचेगी तभी नहर खुदेगी। ऊपर तो भगवान है बाबा। ऊपर के नहीं, उसे थोड़ा नीचे, मतलब मुख्यमंत्री, हमारे नीचे के भगवान। बाबा बोलो। नींद आ रही है तो सो जा। ठीक है सो जा। क्या कर रहा है यहाँ? यहाँ काम करने को किसने बोला? कोई नहीं। तो फिर क्या कर रहा भैया यहाँ पर? नहर खोद रहा है। अरे नहर अगर ऐसे खुद जाती तो तेरा बाप जल के काहे मरता, नहर नहीं खोद लेता। पागल की औलाद, चल यहाँ से। अम्मा कहो ना, हम हर पांचवे इतवार को घर वापस आएंगे। अब हम बड़े हो गए हैं। चुप कर, कमीज की बटन तो ठीक से लगानी आती है नहीं, अकेले कैसे रहेगा? सब सीख जाएंगे अम्मा, बिना बाबा के खाट पे अकेले सोना कैसे सीख गए? लेकिन तुम अकेले रह लोगी ना? नहीं मेरे बच्चे, नहीं रह सकती। अयोध्या सिंह मलिक आ गए। नमस्ते मलिक। सुंदरी, अगली बार जब विजय वापस आएगा ना तो उसके महीने की दिहाड़ी उसके साथ भेजेंगे, 800 रुपए, ठीक है ना? हाँ चलते हैं अम्मा। कसम खाता है, झूठी कसम
कसम खाता है। तू चांडाल से आदमी कब बनेगा? अरे माई चुप, गलती की डांट देता। मारने का हक किसने दिया तुझे? खबरदार, जो फिर इसे मारा। पीछे चसू चल। कहाँ था ये? कोई आया नहीं यार। आप हम जाते हैं। कबड्डी 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 खेले कबड्डी 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 चल चल हरी चल बचा ले चल चल पकड़ ले गांव की इज्जत तेरे हाथ में हरी क्या कर रहा है तू ये डुबा दिया हरी तूने काम का नहीं है मतलब तुम लोग नहीं चाहते कि मैं खेलूं ठीक है चुप हम लोग हारे काहे कि हर बार की तरह ई बार भी सब लोग शुरू से अपनी अपनी जान बचाने में लग गए थे साला सामने वाले को मारते खाक हे राजकुमार अरे सब में तो तू भी है अरे हमने उनके कप्तान को इतनी देर तक धूल में घुसेड़ के रखा तू आगे आया ही नहीं छोटे सरकार तो गए थे तब तक उन लाइन पे पहुंच गए तो क्या करते कितनी बार कहा है वर्जिश वर्जिश किया करो ताकत बाकत बढ़ाओ ससुरे लोग आई जैसे हे खेसरी ए ज्यादा लुगाई फुगाई किया ना यही चीर फाड़ देंगे साला चमचा वहाँ खेलने की जगह भी वफादारी निभाता है हर साला इस साला हर वक्त का यही है हम लोग हारते हैं फिर एक दूसरे पर फोंकते हैं फिर अपने अपने घर चले जाते हैं साला कहाँ भुगतना पड़ता है तुम लोग सोच भी नहीं सकते वो जो हमारी सास है ना वो बाहर ही बैठी मिलेगी हमारी बेइज्जती करने के लिए हार गए अब हारे हैं तो बेइज्जती तो उठानी पड़ेगी इसमें का है तुम्हारी कैसी बेइज्जती बे तू का खेल रहा था देख तो रहे थे और वैसे भी हम टीम के एक्स्ट्रा खिलाड़ी हैं राजकुमार बैसाख के मेले में किशनपुर की टीम को इनविटेशन देते हैं हारने के मामले में हमसे भी 20 कदम आगे है वो अपने गांव में अगर उनको चित किया तो समझो इज्जत ट्रिपल चौपल एकदम सही वैसे भी देनी कितने बचे मेला शुरू होने में ई बार जम के तैयारी करते हैं यस का अरे नो कबड्डी और खाना एक के चीज है जितना भीतर खुसो उतना ये तो इनसे खाना बनवा लो या तो फिर इनसे कबड्डी 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 खिलवा लो बस दुकान पर बैठने में इनके तन बदन में आग लगने लगती होग देख रहे नो हार कर आए हम माथा घूम गया तो बवाल हो जाएगा कह दे रहे तो खेलते ही काहे हो जब जानते हो कि बार-बार हार ही जाते हो अरे किसी डॉक्टर ने लिख कर दिया है कि खेलना बहुत जरूरी है तो तुम काहे रोज थाली भर-भर कर खाती रहती हो है जबकि जानती हो सबर सबर खेत में जाकर जलेबी ही निकालोगी तो ये तो बस करो काहे सी गंदी बात करते हो तेरा बाप चुपचाप से मर नहीं सकता था जो जाते जाते ये मुसीबत का टीका सिर लगा गया बदला लिया है उसने हम दोनों अच्छा, से बदला आप भी बस करो आप भी कुछ काम नहीं हो नहीं। अम्मा
आप अंदर जाके आराम करो, ये तो नहीं मानने वाले। नहीं मानने वाले हम, ये देखा ना पुटिया, देखा ना, जाओ यहाँ से, जाओ। हाँ हाँ जा रहे हैं, जा रहे हैं, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने का। माई प्रणाम, चलते हैं। खुश रहे बेटा। ए विजय। जी मालिक। जी बाजार में गाड़ी आ गई होगी, मछली लाकर माई को दे देना, और हाँ खटाल की साफ सफाई करके गईयों को नला देना, और उसके बाद। अरे तू कहाँ जा रहा है अयोध्या? अरे माई वो आज मेले की शुरुआत हुई है ना, तो हम वहीं जा रहे हैं। तो फिर विजय को भी छुट्टी दे दे, कब से कह रहा था मेले में जाएगा। माई अगर ये जाएगा तो यहाँ पर काम कौन करेगा? चुप कर, तू 50 बरस का बूढ़ा होके मेले में जाएगा और ये बेचारा विजय, तू जा बेटा जा। अरे उससे का पूछ रहा है, वो हमसे बड़ा है का। जा विजय, ये ले बेटा अपनी अम्मा के लिए साड़ी लाना जी। हाँ जा। किशन भैया, 16 साल से आप जानबूझ कर हार रहे हो। कैसी है तू? अच्छी हूँ दीदी, बहुत दिनों बाद है, बहुत अच्छी लग रही है। हम रेनो और बच्चों को भी ले ले, चल मेला चलते हैं, चल। अरे तुम लोग चलो, हम बाबा से मिलके आते हैं डायरेक्ट। आ देनो। हो गया है क्योंकि मुख्य अतिथि देश की कबड्डी टीम के कप्तान रहे श्री सूरजभान सिंह जी हैं, जो वर्तमान में देश की सबसे अच्छी कबड्डी टीम रेलवे टीम के कोच हैं। उनसे विनती करते हैं कि वो यहां आए और आके दो शब्द कहें। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं देश के लिए खेल सका, मैं खेल सका क्योंकि मुझे मिला मौका। मुझे यह बताया गया है कि इस गांव की टीम लगातार 7 साल से खेल रही है परंतु एक बार भी जीत नहीं पाई, क्यों, क्या कारण है? मुझे मालूम है कि आपके पास जोश है, दम है, परंतु केवल जोश और दम के बल पर जीत नहीं मिल सकती। जीत पाने के लिए जरूरी है होश, चतुराई और तकनीक का ज्ञान। तो दम, जोश, होश, चतुराई
और तकनीक सिखाने का मौका मैं होना चाहता हूं आपके लिए। To watch more of Bollywood entertainment, download Shimaru Me app now.